नागपुर स्थित समता नगर में मंगलवार शाम को उस समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी जब खुदाई के दौरान करीब 3 फीट ऊंची प्राचीन मूर्ति मिली। अनुमान है कि काले पत्थर से बनी मूर्ति प्राचीन है। खबर मिलने के बाद मूर्ति के दर्शन और पूजा अर्चना करने वालों की होड़ लग गई। नारा गांव और नारी गांव के बीच स्थित समता नगर निवासी ईश्वर मोहबे मंगलवार को अपने खाली प्लॉट में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करवा रहे थे। शाम करीब 6 बजे मजदूरों के टिकास से एक पत्थर टकराया। मजदूरों ने ध्यान से देखा तो किसी मूर्ति का सिर दिखाई देने पर सावधानी पूर्वक खुदाई की तो काले पत्थर की प्राचीन मूर्ति निकली। जमीन से ऊपर केवल मूर्ति की गले तक खुदाई की गई है जो करीब 1.5 फीट है। इसके आधार पर अनुमान है कि मूर्ति 2.5-3 फीट हो सकती है। खुदाई में मूर्ति निकलने की खबर जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई और देखते ही देखते मूर्ति देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिली है यह जमीन करीब 1.5 साल पहले ईश्वर ने किसी से खरीदी थी। गटर लाइन के लिए गड्ढा खोद रहे थे, पाइप लाइन डालने के लिए बाथरूम के लिए गड्ढा खोदे, पाइप डालना चालू था, फिर वह गड्ढे के अंदर में वो माता खोदते समय पे आवाज आई खटके साथ में, जब उसको खोदे के निकाले तो माता की मूर्ति निकली। फिर लोगों को पता चला तो लोग पूजा करने लगे, यही था। मैं राजेश तांबे 1995-96 में शहर का महापौर था देवेंद्र फडणवीस के पहले। देवेंद्र फडणवीस और मैं, हम दोनों 92 से कॉर्पोरेटर थे। मैं 95-96 महापौर बना, देवेंद्र फडणवीस 97 महापौर बने। ये मेरे दोस्त का प्लॉट है, हमने बहुत पहले से यहाँ फूल के झाड़ वाड़ लगा दिए थे कि भैया खाली प्लॉट पड़े रहने से बेहतर ये रहेगा। कल हम लोग आए यहाँ से, हम लोग कभी महीने में 15 दिन में एक बार आते थे, चाबी खोले हमने अंदर गए, यहाँ के लेबरों को बुलाए कि भैया आप लोग आओ। और ये गटर लाइन यहाँ से पाइप लाइन है, सामने गटर है उसके अंदर में वो लाइन को हमको जोड़ने का पाइप डाल के रख लेते हैं। भविष्य में रोड बन जाएंगे तो उसको रोड काट नहीं सकते फिर हमारे प्लॉट के अंदर में आना चाहिए करके। तो वो हिसाब से हम लोगों ने अपना 3 लेबर यहाँ के बुलाए, महादूल्हे के लेबर थे वो भी ट्रक के उसके गाड़ी के ड्राइवर थे, पर उन्होंने बोले हम लोग टिकास लेके आते हैं, हमको 500 रुपये दे देना। हम बोले ठीक है आपको 500 रुपये दे देंगे, यहाँ से वहाँ तक पाइप डाल दो, सिंगल पाइप डाल के गटर में मिलाए सामने में। जब उसको और आगे बढ़ाने के लिए करें वहाँ पर तो केले का झाड़ बीच में आ गया, केले का झाड़ लगा हुआ था, केले के झाड़ को काट दिया कि भैया उसके नीचे से पाइप नहीं जाएंगे करके। केले के झाड़ काटने में जब उसको जड़ उसने उखाड़ा, वो जो ले वो थे कारागिर मजदूर लोग, वो इतना बड़ा गड्ढा हो गया उसके अंदर में। और उसके बाद में जब उसको फिर मट्टी और उसके लेवल में डालने के लिए निकाले तो अचानक खन्न की आवाज़ आई जब वो टिकास लगा, और टिकास लगने के बाद अंगार का वो निकला चिंगारी, और उसने बोला फिर कि कोई दगड़ लगा। तो हम बोले भैया दगड़ लगा तो उसको ये करके देखो आजू बाजू से, ये साथ में थे हम लोग, तो उसको दगड़ के करके देखे तो बोले नहीं इसके अंदर तो आकृति दिख रही, बोले यानी पूरी उसके ऐसे लाइन 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 करके। फिर मैं बोले उसको तुम एक मत कर धीरे से कर, वो गौ घबरा गया कि भैया मैं टिकास मारा तो यहाँ मार लगा माता को। बोला माता अपने बच्चों को कुछ नहीं करती, चिंता मत कर, ये कर। जैसी करे तो मूर्ति अपने आप खड़े होने लगी, मूर्ति हो गई खड़ी, ऐसी सीधी खड़े होकर जमीन के लेवल से ऊपर आ गई केले के झाड़ के नीचे से, वो केले के झाड़ की जड़ वहाँ पड़ी है। ऐसा हमने अपना ये करे ताला बंद करे, हमने पूजा पाठ करे उसके अंदर हल्दी कुकू को डाल के माता की पूजा करे आरती करे, और हम जाके अपने यहाँ पे जाके बैठ गए। हमने ना किसी को बोले ना, यहाँ की सब जनता जानती है, देखने वाले लोग ये लोग हैं, वो आई गए हैं ईश्वर मोहबे, उनका काम है छोटा मोटा काम है इसी। ये प्लॉट बहुत साल पहले लेके रखे थे, 10-10 हज़ार में मिलते थे उस जमाने में लेके रखे थे, बाद में ये प्लॉट बाद में खड़े सामने प्लॉट वाले लेके थे। ये शाम को 5:30 बजे की घटना है। मूर्ति मिलने के बाद लोगों ने मूर्ति की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ परिसर में कल से मूर्ति देखने लोगों की भारी भीड़ बनी हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश सुकलवा, BCN न्यूज़ नागपुर।